हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग लेके हाजिर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जॉब, फ्री में काम। तो गाइस, ये जॉब होने वाली है हेल्पर कैटेगरी में, हेल्पर लोगों के लिए होने वाली है। एक्चुअल में लास्ट एक महीने से, पिछले एक महीने से सब हेल्पर कैटेगरी की ही जॉब आ रही है। करने वाला काम होना चाहिए, करने वाला कैंडिडेट्स होना चाहिए। गाइस, वीडियो की अपडेट पूरी देने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि आपको नई नई जॉब की अपडेट्स मिलती रहे। एक और बात, वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक शेयर करना उनको कुछ हेल्प होता है, उनको कुछ मदद मिलती है। हम लोग आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब लेके आते हैं। यहाँ पे आपको ट्रस्ट के नाम पे, विश्वास के नाम पे या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग फॉर्म ज्वाइनिंग के नाम पे आपको लूटने का काम नहीं होता है। फ्री में काम, फ्री में जॉब्स, ये ऐसा जो है कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे 3,000, 5,000, 1,000, 2,000 लेती है, वहां पर हम लोग सेम में आपको फ्री में जॉब लाके देते हैं, आपको काम पे लगवाते हैं। तो गाइस, आपका भी एक थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इस वीडियो को, हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो रिलेटिव में, अपने परिवार में शेयर करें, उनके साथ फॉरवर्ड करें ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके, जो काम पे नहीं जा रहे हैं, जो घर पे बैठे हैं, जिसके पास काम नहीं है। तो गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं पॉइंट पे। गाइस, आज की ये जॉब होने वाली है ये हेल्पर कैटेगरी की होने वाली है। हेल्पर कैटेगरी में बहुत ही अच्छी जॉब देखने को मिलेगी आज आपको। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखेंगे आप, एंड तक देखेंगे। जॉब होने वाली है किचन में हेल्पर का, वेटर का काम। अब देखो, इसमें यह होता है कि काफी कैंडिडेट्स ये सुनते हैं तो बोलते हैं कि क्या सर हमको वहां पर प्लेट वगैरह धोना पड़ेगा क्या, क्या सर हमको वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना पड़ेगा क्या। तो इसमें देखो, ऐसा है कि हेल्पर का जो काम रहता है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है, अंदर में हेल्पर का काम। लेकिन आज के टाइम में क्या रहता है कि लड़के लोग जो है कभी भी कोई प्लेट नहीं धोता है, ना तो कोई झाड़ू पोछा करता। उसके लिए हर एक होटल में अलग एक लेडीज रखी जाती है, काम वाली बाई जिसको बोलते हैं, वो काम वाली बाई रहती ही रहती है। उनके मन में डाउट आ जाता है, लड़के लोगों के मन में, कि होटल का काम इसका मतलब जरूर जो है हेल्पर का काम, इसका मतलब जरूर जो है प्लेट धुलवाएंगे, जरूर जो है कुछ झूठा उठवाएंगे। देखो, काम करने में कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए, काम करने में कभी भी जो शर्म नहीं रखनी चाहिए। छोटा काम, बड़ा काम, काम होता है, बस होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। लेकिन आजकल होटलों में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए और बर्तन धोने के लिए अलग से लेडीज रखी जाती है, तो ये माइंड से निकाल दें कि आपको वहां जाके प्लेट वगैरह भी धोनी पड़ेगी। हेल्पर का मतलब है कि वेटर हो गया, जो है अंदर में किचन में जो मास्टर रहता है, कुक रहता है, उसके साथ हेल्प करना हो गया, बर्तन को इधर उधर रखना हो गया, बर्तन को जो है जहाँ धोना वहां रखना हो गया, कटिंग जो है वेजिटेबल कटिंग करना हो गया, बहुत सारा अंदर में जो काम रहता है वेटर का, हेल्पर का, तो वही सब हेल्पर का काम रहता है। इसमें आपको रूम भी फ्री मिलेगा, कंपनी की तरफ से खाना भी फ्री मिलेगा। अब होटल का काम है, खाना फ्री मिलेगा, इसका मतलब है कि खाना फ्री अच्छे से मिलेगा। काफी जो है ऐसे कैंडिडेट्स का कॉल भी आता है कि सर जो है हम लोगों ने एक्स वाई जेड कंपनी में बुला लिया और वो बोला कुछ, दिया कुछ वहां पे खाने के नाम पे, दो टाइम की जगह एक टाइम, तीन टाइम की जगह दो टाइम और सिर्फ चावल मिलता है। तो जहाँ होटल की बात आती है ना, तो समझ लो कि वो एक भंडार है, जहाँ सब कुछ बनता है ना, वहां पे आपको काम मिल रहा है, इसका मतलब कि खाने पीने की तो आपको कमी होने वाली है नहीं। तो रूम भी फ्री है इसमें, खाना भी फ्री है। अब करते हैं हम लोग सैलरी की बात, तो सैलरी इसमें होने वाली है 12,000 रुपये। 12,000 रुपया, अब आप कमेंट्स में ये मत कीजिएगा कि सर 15,000 वाली जॉब लेके आइए जिसमें खाना भी फ्री हो, रूम भी फ्री हो। मेरा एक भाई जो है, काफी टाइम से हमारा ये कमेंट्स आ रहा है, अब उसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि दोस्त, ऐसा है कि 15,000 दे के खाना भी फ्री देगा आपको, रूम भी फ्री देगा, मेरे हिसाब से ऐसी जॉब कहीं पर भी नहीं रहेगी। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आपको मिलेगी ही नहीं, मिलेगी आपको,
100% जहां पे रहेगा ना, उसमें से 90% आपके साथ धोखा हो जाएगा। 1-2% ऐसा कोई रहेगा जिसको नीडेड रहेगी और जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, उसको 15,000 और खाना पीना मिलेगा। लेकिन हेल्पर कैटेगरी में आप चाहे कि मुझे 15,000-16,000 मिल जाए, खाना पीना रूम सब कुछ मिल जाए, ये मैं बोल रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता है। वहां समझ लीजिए कि आपके साथ 100% धोखा होगा। पहले धोखा होगा या नहीं तो बाद में धोखा होगा। आपको आपके साथ में वीडियो में पूरी जॉब डिटेल्स समझा दी जाएगी अच्छी तरीके से, आपका जो है विश्वास लिया जाएगा अच्छी तरीके से, और एंड में जाते जाते बोलेंगे 3,000 रुपये लगेंगे सिर्फ और सिर्फ रूम देंगे हम आपको, 4,000 रुपये लगेंगे, 6 महीने रिफंड होगा आपका, 3,500 रुपये लगेंगे, 1 साल बाद आप रिफंड होगा। तो कहने का मतलब है कि वो पैसे की बात करेंगे ही करेंगे, बीच में करेंगे, वीडियो के एंड में करेंगे, स्टार्ट में करेंगे, लेकिन करेंगे ही करेंगे। अगर मान लो आपको बोल दिया जाता है कि 15,000 और 17,000 दूंगा मैं, खाना पीना रूम फ्री दूंगा, और उस वीडियो में या उस एजेंसी में आपसे कुछ भी पैसे का काम या पैसा नहीं मांगा जाता, इसका मतलब है ये कि आपके मंथ एंड में समझ लो कि कुछ ना कुछ सैलरी में लोचा होने वाला है। यस, तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि जो है 15,000 वाली जॉब नहीं मिलती जिसमें खाना पीना फ्री नहीं रहता, रहता है। किसको? सिर्फ एक्सपीरियंस को, जिसको अच्छा नॉलेज है उस कैंडिडेट्स को रहता है। हेल्पर वालों के लिए मेरे हिसाब से देखो भाई नहीं रहता, फिर पता नहीं हो सकता है। तो गाइस आज की जो जॉब होने वाली है 12,000 सैलरी होने वाली है, किचन हेल्पर वालों के लिए होने वाली है, किचन हेल्पर किचन वेटर में 12,000 सैलरी, रूम भी फ्री, खाना भी फ्री। इसमें टाइमिंग इसमें देखने को मिलेगा आपको दोपहर के 12 बजे से रात के 10 बजे तक। होटल जो रहती हैं वो थोड़ी लेट ओपन होती है, आप आराम से जो है नहा धो के फ्रेश होके आराम से घूम फिर के आराम से जो है 11, 11:30, 12 बजे होटल पहुंचेंगे। उससे पहले आप अपने मर्जी के मालिक, रात के 10 बजे लास्ट होता है। अब 10 में कभी कभी जो है 10:30 भी हो जाता है, 10 से 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपको इसमें जो है 2 से 3 घंटा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो कंपनी आप इसको कंपनी जो है आपको इसमें एक्स्ट्रा जो है ओटी देती है, ओवर टाइम देती है इसमें। अब कभी कभी लेट इसलिए हो जाता है कि कई कई पार्टी जो ऐसी रहती है, जो पार्टी हॉल्स जो रहता है ना उनका जो पार्टी चलती रहती है रात के कभी कभी 11 बजे तक, कभी कभी जो है 1 बजे तक 2 बजे तक, तो वहां पे आपको कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, आपको एक्स्ट्रा जो है क्या बोल रहे हैं उसको ओटी वगैरह देती है, जो आपके सैलरी में इंक्लूड करके मंथ के एंड में आपको दी जाती है। तो एक बात चलो कि मिनिमम सैलरी इसमें होने वाली है 12,000 रुपये। इसके अलावा अगर आपको एक्सपीरियंस है कुकिंग के लाइन में, अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ बनाने में, अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ रेस्टोरेंट का, तो आपकी सैलरी फिर 12 से ज़्यादा होगी, 13,000 रुपये, 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, प्लस सेम फैसिलिटी देखने को मिलेगी, रूम भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी एक साल में आपकी सैलरी इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो एंड में सैलरी नहीं रहती है, थोड़ी बढ़ के मिलती है, लेकिन उसमें एक साल तक आप टिके रहना, एक साल तक अच्छे से काम करना, एक साल तक एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, तब जाके आपको वो सैलरी देखने को मिलती है। नए नए कहीं पर भी जाएंगे ना तो मिनिमम हेल्पर की सैलरी आपको यही देखने को मिलेगी 10, 11, 12, 13, 14, 15। जहाँ 15,000 मिलेगी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जहाँ 15 से कम मिलेगी वहाँ फैसिलिटी देखने को मिलेगी। लैंग्वेज इसमें कोई भी चलेगी, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज चलेगी। लैंग्वेज इसमें डजंट मैटर, कोई भी जो मायने नहीं रखती है। एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम तो 18 है ही, आप मान के चलिए, मैक्सिमम आप चाहे 30 के भी है, चाहे 35 के भी है, चाहे 40 के भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होना चाहिए मेहनती बंदा, होना चाहिए काम करने वाला बंदा, होना चाहिए एक विश्वास वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैंडिडेट्स। क्योंकि देखिए हम लोग आप लोगों के लिए फ्री जॉब लेके आता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता आप लोगों के लिए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां पे हम लोग भेजे हैं, जहां पे हमारी कंपनी आपको आगे कंपनी में फॉरवर्ड करती है, वहां पे कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे ना तो आपका भी नाम बनेगा कि नहीं यार जो है आप वो मतलब अच्छा लड़का था, कहाँ का था बंदा यार, उसको वापस बुलाओ फोन करके।
हम लोगों का भी मन करेगा कि नहीं यार अच्छा कैंडिडेट है उसको कहीं पर अच्छी जगह पे लगा जाए, और इससे हम लोगों की कंपनी का भी नाम होता है कि नहीं एक्स वाई जेड कंपनी से अच्छा लड़का आया था यार, वास्तव में कंपनी अच्छी है। तो ये सब रहता आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा काम करते हैं वहां पे, कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वहां पे, सब कुछ आपके ऊपर रहता है। वैसे आपसे तो जो है काफी उम्मीदें हैं, हम लोगों को काफी सपोर्ट मिला है पिछले 1 साल से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, थैंक यू उसके लिए। तो यही सपोर्ट आगे बनाते रहिए, चलते रहिए। तो इसमें जो है 12,000 सैलरी देखने को मिलेगी, प्लस 1 साल में आप अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी रहेगी तो ओवर टाइम देखने को मिलेगा, रूम और खाना पीना सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा। 1 साल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट में देखने को मिलेगी। अगर आपको नॉलेज है कुछ अच्छा तो इसमें सैलरी आपके 12, 13, 14, 15,000 तक रहेगी इसमें, प्लस सेम फैसिलिटी देखने को मिलेगी इसमें। एज लिमिट मैंने जैसे बताया कि 18 से लगाकर 30, 35, 40 तक लास्ट चलेगी इसमें। तो गाइस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने उन दोस्तों के साथ में जो घर पे बैठे हैं, जो खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, और जो ये बोलता है क्या करो यार मेरे पास काम नहीं है, उनको ये वीडियो भेजो। अरे भाई क्यों बैठा है ये देखना, वर्क एटावर की तरफ से तुमको फ्री जॉब मिल रहा है ना, जहां पे आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं रहती है, जहां तुमको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं रहती है, जहां सिर्फ आप अपने खर्चे के लिए पैसा लेके आते हैं, वही पैसा आपको लगने वाला होता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें वीडियो को, अपने चैनल लिंक को, अपने फैमिली सर्कल में, चाहे वो 18 के बाद, चाहे 20 साल का हो या 30 साल का हो, चाहे हेल्पर काम के लिए वाला हो या फिर आईटी वाला क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ ही क्यों ना हो, हर तरह की जॉब हम लोगों के पास अवेलेबल रहती है। लेकिन अवेलेबल रहती है बोले तो एनी टाइम नहीं रहती है। आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे कि ये वीडियो के लिए सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन के अंदर फुल हो जाती है। 10 दिन भी इसलिए रहता है कि आउट ऑफ स्टेशन से जो लड़के आते हैं 3 दिन उनको आने में लग जाता है। तो समझ लीजिए कि 3-4 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन लास्ट रहता है जॉब्स को फिल होने के लिए। मैं दूसरों की तरह, दूसरे एजेंसी की तरह, दूसरे कंपनी वालों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि आप ऑफिस आ जाइए आपके लिए जो ये टाइम एनी टाइम देखने को मिलेगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आप लोगों की मेहरबानी से डेली का जो है ना 10-15 कैंडिडेट्स आता है, डेली का 10-15 लड़का आता है जो क्या बोलते हैं लड़के का इंटरव्यू होता है ना, अगर मैं वो एक एक लड़के का एक एक इंटरव्यू बोले तो एक दो दो सेकंड का भी बना के चलो ना, तो एक पूरी की पूरी पिक्चर बन जाएगी जो 3.5-4 घंटे की रहती है। इसलिए हम लोग वो नहीं करते। तो गाइस रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शेयर जरूर करिए, ना कि ये वीडियो सारा का सारा वीडियो जो आपको लगे कि नहीं यार इस काम में मेरा बंदा, या फिर इस काम में मेरा फ्रेंड से, या फिर इस काम में मेरा फैमिली वाले को नॉलेज है, ये वीडियो में उनको शेयर करूंगा ही करूंगा ताकि उनको कुछ मदद मिल सके, उनको कुछ हेल्प मिल सके जो काफी टाइम से अपने घर पे बैठे हैं, कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं। तो गाइस एक और अच्छी जॉब, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड एंड तक बने के लिए रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मैं और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।